बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें अंबेडकर पीपल्स वॉइस और बेल आइकन दबाएं। आप सभी की बदौलत अशोक चांदना इस्तीफा दो देश के नंबर एक पर ट्रेड करने लगा। आज हमने बिना किसी आईटी सेल के और बिना किसी लोगों के सहयोग के आप सबके सहयोग के साथ से नंबर एक पर ट्रेड करवा दिया। हमें नहीं उम्मीद थी, लेकिन आप सब ने वो करके दिखाया जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। हम ना बीजेपी के आईटी सेल से आते हैं, ना बीजेपी कांग्रेस के आईटी सेल से आता है, ना किसी और पार्टी के। संवैधानिक भाषा का प्रयोग यानी संवैधानिक पद के ऊपर बैठकर असंवैधानिक भाषा का प्रयोग करने वाले मंत्री के खिलाफ हमारी जो मुहिम थी उसको आपने नंबर एक पर पहुंचा दिया। हकीकत तो यह है कि राजस्थान की जो लोकल मीडिया है उन्होंने जो फर्स्ट इंडिया न्यूज है और अन्य जो न्यूज चैनल्स है उन्होंने भी इसे कवर करना शुरू कर दिया। इसका मतलब यह है कि कांग्रेस पार्टी तक हमारी जो बात है वो पहुंच चुकी है। इसके बावजूद भी अगर कांग्रेस पार्टी एक जातिवादी मंत्री को अगर इस्तीफा नहीं लेती है, उन पर कोई कार्रवाई नहीं करती है, तो ये साफ हो जाता है कि कांग्रेस पार्टी ही जातिवाद की जननी है। दरअसल मैं आपको बताने की कोशिश करूं तो कई सारे साथी मुझे पूछ रहे हैं कि अशोक चांदना जिनको गालियां दे रहे हैं उनका नाम राजू गुर्जर है, और वो आपको बता दें कि पंचायत समिति के इलेक्शन के लिए कांग्रेस की टिकट मांग रहे थे, लेकिन उसी बात को लेकर इन दोनों के बीच में ये सब कुछ हुआ था और उसके बाद ये ऑडियो वायरल हुआ। दरअसल आपको बता दें कि किसी भी व्यक्ति को गालियां दो, लेकिन आप जातिवादी शब्द का इस्तेमाल किस आधार पर कर रहे हैं? दूसरी तरफ आपने एक संवैधानिक पद पर आप मंत्री के संविधान के पद की आपने शपथ लेकर मंत्री के पद पर आप सुशोभित हुए और उसके बावजूद आपके मुंह से इस तरीके की भाषा कतई शोभा नहीं देती। बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान लिखकर आप लोगों को इस तरीके की भाषा प्रयोग करने के लिए इस्तेमाल नहीं कर दी। आज देश का युवा, आज देश का हर एक नागरिक जागरूक है और आपको इस तरीके की भाषा का प्रयोग तो बिल्कुल ही कतई नहीं करने देगा। साथियों, हम हर एक मुद्दा जो जनता से जुड़ा हुआ होगा, लोगों से जुड़ा हुआ, हम तमाम मुद्दे आप लोगों के साथ जुड़े रहेंगे। मैंने ये ट्विटर के ऊपर पहली बार कोई ट्रेड किया है और आपने उस पर बहुत ज्यादा सहयोग किया, इसके लिए मैं आप सभी का हाथ जोड़कर बहुत आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि ये गर्व का एक पल है कि हमने आईटी सेल के उन मठाधीशों का, मैं एक यूट्यूबर हूं और मुझे नहीं पता था कि आईटी सेल क्या होता है, और आप तमाम लोगों ने मठाधीशों का पूरी तरीके से जो वचस्व है